हेलो दोस्तों, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, क्योंकि आपको पता है समर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो समर हैक्स तो बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन समर हैक्स को, जो आपकी गर्मियों में होने वाली परेशानियां होती है ना, तो जो गर्मियों में जो परेशानी होती है उस इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। यस, क्योंकि होता ही यार, इतना पसीने में आओ, धूप में आओ तो चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है कि आपको कुछ भी चीज चाहिए वो आपको जल्दी से ना मिले। तो चलिए इन्हीं परेशानियों का हल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, क्या होता है गर्मियों में, अक्सर हमारे मेहमान आ जाते हैं या कोई भी गेस्ट बाहर से आता है या हम ही बाहर से आते हैं तो हमें शरबत बनाना पड़ता है या नींबू पानी हमें चाहिए एनर्जी के लिए। बट राइट नाउ हमारे पास कोई साधन नहीं रहता है, तो हम एक घंटे तक वो चीनी चीनी घोलते ही रहते हैं। बट क्या होता है, वो चीनी नहीं घुलती जल्दी से। तो इसके लिए सिंपल सा एक हैक्स ये है कि तो यहाँ पे लेना है आपको एक पैन, और पैन में लेना है आपको मिनिमम, अगर आप दो ग्लास पानी ले रहे हैं तो एक गिलास आप चीनी डालिए, इतना आपको घोल रखना ही पड़ेगा मिठास के लिए। अभी मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ चीनी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शुगर काफ़ी कम लेते हैं इसीलिए। तो इस मिक्सर को आपको अच्छे से मिला लेना है कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए। जब आपकी चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो समझो आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। आपको पकाना नहीं है इसे, सिंपल चीनी को मेल्ट होने का इंतज़ार करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपको इस पानी को ठंडा कर लेना है। तो ये पानी ठंडा हो चुका है, इसके बाद आपको किसी भी कांच के कंटेनर में इस पानी को इकट्ठा कर लेना है, जो चाशनी को इकट्ठा कर लेना है। और मिनिमम आप इसको 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो इस चाशनी को, वो भी इसे फ्रिज में ज़रूर रखें आप। तो ये चाशनी आपके बिल्कुल बन के तैयार है। क्या होता है दोस्तों कि जब भी बच्चे बाहर से आते हैं या स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पे गर्मी इतनी होती है कि बच्चों को ऐसा चाहिए, कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है। एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ वो चाहते हैं कि गर्मी है तो हमें आइसक्रीम कोई दे दे। तो बट क्या होता है, डेली डेली आप बच्चों को आइसक्रीम नहीं दे सकते, बाहर की आइसक्रीम बहुत ज्यादा केमिकल उसमें डले हों। तो आपको क्या करना है, एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक ग्लास, और ग्लास में मैं ले रही हूँ ग्लूको प्लस, ये डाबर का है। इसमें मैं ऑरेंज फ्लेवर ले रही हूँ, जो भी फ्लेवर आपके बच्चों को पसंद है आप वो वाला फ्लेवर लीजिए। और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्लूकोज डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा चाशनी डाल रही हूँ कि इससे थोड़ा सी और मिठास आ जाए, क्योंकि बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। और एक मिक्सचर इसका तैयार कर लूँगी, और उसके बाद हमें डालना है इसमें नॉर्मल पानी, और जितनी क्वांटिटी में आपको आइसक्रीम बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी आइसक्रीम मोल्ड है उसमें इसे डाल दीजिए आप, और ये बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाएगी, एनर्जी ड्रिंक हो जाएगी, बच्चों की आइसक्रीम की आइसक्रीम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे तीन से चार आइसक्रीम बन जाएंगी, और इसके हम ढक्कन लगा के मिनिमम इसको 6 से 7 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप नाइट में बनाइए, सुबह खाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी, और देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है बच्चों के लिए, और बच्चे भी एकदम खुश हो जाएंगे इस आइसक्रीम को खा के। और कलर भी बिल्कुल अच्छा निकला है, ऑरेंज कलर आया है, और बच्चों को ऑरेंज आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। हम अक्सर अपने फ्रीजर में पानी की बॉटल भर के रख लेते हैं कि अगले दिन हम जब सुबह ऑफिस जाएंगे तो हम पूरा ठंडा पानी पियेंगे। बट क्या होता है, मॉर्निंग में जब हमें उसे पानी पीना होता है तो पानी तो उससे निकलता नहीं, क्योंकि पूरा जो पानी है वो बर्फ़ से जम जाता है। तो इसका एक सिंपल सा हैक ये है कि आपको जिस भी बॉटल में ठंडा पानी चाहिए उस बॉटल को पूरा फिल मत कीजिए, आधा पानी भरिए, और देख सकते हैं कि इस टाइप से आपको आधा पानी भरना है। इससे क्या होगा कि आपका आधा पानी ही जमेगा, तो इस टाइप से आपको रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखें, क्योंकि अगर ढक्कन की साइड से ज़्यादा पानी होगा तो वो आपका जो ढक्कन है वो बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो देख सकते हैं ये पानी आधा है और आधे में बर्फ़ जमी है। तो आपको क्या करना है कि जो ये खाली बॉटल है आधा हिस्से में, तो इसमें आपको नॉर्मल पानी डालना है, तो ये पूरी बॉटल फिल हो जाएगी। तो आपको जब भी पानी पीना है इंस्टेंट आपको ठंडा पानी भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें कम से कम दिन तक आपका पानी पूरा ठंडा रहेगा, क्योंकि बर्फ भी हल्की हल्की मेल्ट होती रहेगी और आपको ठंडा पानी भी मिलता रहेगा। हमें इंस्टेंट कॉफी चाहिए, अभी हमें कॉफी लाके दो। तो कॉफी और कोल्ड कॉफी बनाने में क्या दिक्कत होती है, एक बार आप चीनी को घोलो, फिर थोड़ा सा कॉफी को मेल्ट करो, फिर उसके बाद कोल्ड कॉफी बनाओ, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इंस्टेंट कोल्ड कॉफी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो एक पैन ले लेना है, उसे गैस के ऊपर रख लें आप, और एक पैन में कम से कम 1 कप आपको लेना है पानी, उसमें आपको लेना है आधा कप चीनी,
और आधा कप चीनी के बाद आपको लेना है, यहाँ पे कम से कम आधा कप ही आपका कॉफ़ी लगेगा। और इसको आपको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे ले रही हूँ मैं टेस्ट के लिए 1 चम्मच कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर, जो भी आप लेना चाहते हैं। इससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है। बच्चों को, मेरे बच्चों को खासकर चॉकलेट पाउडर बहुत पसंद है। तो इसको आपको हल्का सा उबाल लेना है, और जब उबाल आने पे इसको ठंडा कर लेना है और आइस क्यूब में डाल देना है, आइस ट्रे में। तो मैंने इन्हें आइस ट्रे में डाल दिया है और इसे आपको फ्रीज कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे से जम चुकी है। अब हमें इंस्टेंट कॉफ़ी बनानी है, तो मैं यहाँ पे शेकर में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 आइस क्यूब लिए हैं और इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा दूध। ऊपर से ग्लास लगा के मैं अच्छे से शेक कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सिरप डाला है कि एक अच्छा सा लुक आए इसमें। और उसके बाद मैं जो भी मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो देखिए कितना अच्छा सा झाग इसमें बनाया, और हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगली टिप है दोस्तों मेरी यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हम शरबत बना रहे होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में शरबत बनाए तो मक्खी सबसे ज्यादा आ जाती है। तो इन मक्खियों को भगाने के लिए आपको क्या करना है, आप हमें लेना है 1 नींबू, और उसको आपको बीच से काट लेना है। अब बीच से कट करने के बाद आपको सिंपल आधा ही पीस आपको लेना है, और यहाँ पे लेनी है आपको कम से कम 5-6 लौंग, और लौंग को आपको इसमें डिप कर लेना है नींबू में इस टाइप से। तो इस टाइप से आप पूरी तरह से लौंग लगा दीजिए नींबू में। इससे आप देखेंगे कि मक्खी मच्छर आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे उस जगह में जहाँ पे भी आप शरबत वगैरह बना रही हैं। इसे ऐसे ही रख दे। कभी कभी ये होता है कि फ्रिज में बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं रहता, यहाँ तक कि बर्फ भी नहीं रहते, तो इसमें आपको इंस्टेंट ठंडा पानी पीने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको लेना है जिस भी बॉटल को आपको फ्रिज में रखना है उसको आप एक गीले कपड़े से रैप कर लीजिए, मतलब किसी कपड़े को गीला कर लीजिए, उस बॉटल को उससे रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद आप उसे फ्रीजर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल बॉटल के मुकाबले या नॉर्मल पानी के मुकाबले जो आपका ये रैप करा हुआ पानी है गीले कपड़े से, वो ज्यादा है। दोस्तों हमारे साथ ये होता है कि हमारे घर में मेहमान आ जाए और हमें आइस क्यूब की जरूरत पड़ जाए और आइस क्यूब हमें नहीं मिलती है, तो पहले का टाइमिंग ये होता था कि हम पड़ोसियों के घर में जाके मांगते थे, बट आज का ये टाइम है कि हम किसी भी पड़ोसी के घर में जाके आइस क्यूब नहीं मांग सकते थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से बर्फ जमाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे भी आपको लेनी है आइस ट्रे जिसमें भी आप बर्फ जमाती हैं, उसमें आपको लेना है गुनगुना पानी। ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, आपको लेना है गुनगुना पानी। तो चाहे आप किसी बर्तन में जमा रही हो, चाहे आप आइस ट्रे में जमा रही हो, तो आप देखेंगी कि जो आपकी बर्फ़ है वो बहुत ही स्पीड से जमेंगी। तो मैंने इसे लगा लिया है। अक्सर दोस्तों हमारी ये शिकायतें होती हैं कि हम जो दही घर में जमाते हैं वो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं जमता, तो गाढ़ा दही जमाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है कोई भी मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का एक बर्तन आप लेके रखिए, उसमें जब आप दही जमाएंगे ना तो आपकी दही जरूर गाढ़ी जमेगी, क्योंकि जो उसका दूध का एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा मिट्टी अपने अंदर सोख लेती है। तो जब भी आप दही जमाएं तो मिट्टी का बर्तन लीजिए। तो यहाँ तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 मिट्टी का ग्लास, तो इसमें मैं डालूँगी गाढ़ा दही। आपको गाढ़ा दही ही लेना है जिससे आपका दही अच्छे से जमे। तो जितना पतला दही लेंगे तो उतनी ही पतली आपकी दही जमेगी। यहाँ पे लिया है मैंने गुनगुना पानी, और इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए कि जो दही है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसे ओवरनाइट ऐसे ही रहने दें। तो देखेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग कि मेरा दही कितना ज़्यादा गाढ़ा जमा है, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा पानी होता है, ये जो मिट्टी का बर्तन है उसे सोख लेता है। तो अगर आपको गाढ़ी दही चाहिए तो हमेशा आप मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाइए, तो इससे आपको जो दही मिलेगी वो तो बिल्कुल आई होप गाढ़ी ही दोस्तों आपको ये मिलेगी। समर हैक्स पसंद आए होंगे, तो समर हैक्स पसंद आए होंगे तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।